डॉक्टर मुखर्जी का सपना था भारत हर क्षेत्र में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर हो, कुशल और समृद्ध हो, बड़े उद्योगों को डेवलप करें और साथ ही एमएसएमईज, हथकरघा, वस्त्र और कुटीर उद्योग पर भी पूरा ध्यान दें। 1947 से 1950 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे। 1948 में आई स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति उनके आइडियाज और विजन की छाप लेकर के आई थी। डॉक्टर मुखर्जी का भारत के रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर भी विशेष जोर था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी का खाद कारखाना और दामोदर घाटी निगम, ये चार सबसे सफल और बड़े प्रोजेक्ट और दूसरे रिवर वैली प्रोजेक्ट की स्थापना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान। आइए हम हमेशा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के संदेश को याद रखें, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जी जान से जुटे रहें।